सर मुझे बताएंगे जिस तरीके से एक बार फिर एसपी स्मार्ट स्कूल पे काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है और रिजल्ट जिस तरीके से आया है, कहीं ना कहीं बच्चों की मेहनत और स्कूल की मेहनत जो है वो देखने को मिली है, तो क्या कहेंगे इस पर? वर्ड्स से क्या कह सकते हैं, खुशी हो रही है कि हम लोग अपने समाज और सिस्टम के लिए कुछ कर सकते हैं। इस मौके पे मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि खाली एसपी स्मार्ट के इम्प्रूव होने से उतना ज़्यादा जो है चेंज नहीं आएगा समाज में, जब तक कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल, हर एक प्राइवेट स्कूल अपने आप को मेंटेन करेगा, विदाउट ट्यूशन विदाउट कोचिंग रिजल्ट देने की कोशिश करेगा ताकि एक सेक्टर ग्रो करे। तो एक रिज़ल्ट जो कोविड के बाद हाइब्रिड की वजह से आया, फिर से इनकरेज कर रहा है हमारे को कि सिस्टम पे काम करें, सिस्टम इम्प्रूव करें, और वो सिस्टम पे सारी दुनिया का हक है। हम लोग उसी तरीके से बढ़ रहे हैं आगे, बच्चे मेहनत करते हैं, हम कोई चीज़ इम्प्रूव करते हैं, इनोवेट करते हैं, टीचर सब लोग हार्डवर्क करते हैं, और उन्हीं के हार्डवर्क की वजह से फिर जब रिजल्ट्स आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम इसको कंटिन्यू करते रहें, सब बच्चे मेहनत करें आगे बढ़े। मैं इसको एसपी स्मार्ट से जोड़ के नहीं देखता हूँ, एसपी स्मार्ट एक स्कूल है, एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम एक सोच है, एक सिस्टम है जिसको एक हमने पिछले 20-25 साल की मेहनत से डिज़ाइन किया, पढ़ाने का तरीका, उस तरीके को हम बोलते हैं एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम। आज का दिन हमारे को हम डेडिकेट करते हैं फाउंडर ऑफ एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल के मेरे फादर एसपी गुप्ता जी को, क्योंकि आज के दिन उनकी डेथ हुई थी 14 जुलाई को, और आज रिजल्ट जो आया ये उनको एक श्रद्धांजलि है कि अगर आप कोई रास्ते में अधूरे छोड़ के गए थे, आपके सपने आपके पीछे से पूरे हो रहे हैं, और ये जो सपने हैं ये आगे भी आपके पूरे होते रहेंगे। हम लोग एसपी स्मार्ट स्कूल सिस्टम को हायर सेकेंडरी, एसपी स्मार्ट हायर सेकेंडरी से बाहर निकाल के पूरी दुनिया में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अलावा पूरी इंडिया के पूरे दुनिया के बच्चों को इसका फ़ायदा मिले, और एसपी स्मार्ट स्कूल सिस्टम आने वाले समय के फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन का एक ऐसा सिनोनिमस बने जिसकी वजह से एजुकेशन जो है कम से कम उसकी वजह से कोई डिप्राइव ना रहे। जैसे आपने अभी बात की कि कहीं ना कहीं एसपी स्मार्ट स्कूल जो है वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल कहीं ना कहीं सेट कर रहा है, बट वो एग्जाम्पल तब तक सेट नहीं होगी मुझे लगता है जब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू कश्मीर की उसके कुछ इनिशिएटिव्स ना हो। देखिए, हमारा काम है मेहनत करते रहना, काम करते रहना। अगर कोई लोग जो देश और समाज के लिए सिंसियर हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके मीडियम से देख रहे होंगे, वो सिस्टम को देख रहे होंगे। एक साल, दो साल, तीन साल की बात होती है, जब 28 साल कंटिन्यूसली हो जाए और आने वाले कई सालों तक क्या रहती दुनिया तक भगवान इसकी कामयाबी बनी रहे, तो कभी ना कभी उनको लगेगा। मैं ये कहूँगा कॉपी नहीं करना, हमसे बात करना, हम आपको ओरिजिनल सिस्टम दे देंगे, क्योंकि जब आप कॉपी करेंगे हो सकता है आप गलत कॉपी हो जाए और उस वजह से उनका उतना फ़ायदा ना हो जितना एक ओरिजिनल सिस्टम का फ़ायदा होता है। हम इस सिस्टम को नॉन कमर्शियल तरीके से गवर्नमेंट को देने को तैयार हैं, आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। थैंक यू।